आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप नॉवल को स्क्रिप्ट में कैसे बदल सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे राइटर्स होंगे ना जिनको कोई नॉवल पढ़ करके या फिर उनकी खुद की नॉवल हो जिन्होंने वो लिखा हो तो उसे वो स्क्रिप्ट में बदलना चाहते होंगे, तो कैसे आप ऐसा करेंगे ये आज के वीडियो का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कुछ नया हटके है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर किसी नॉवल पर काम करना चाहते हैं, उसे स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं, उस पर फिल्म बनवाना चाहते हैं, तो आपको एक जरूरी चीज जरूरत पड़ेगी, वो है आपको परमिशन लगेगी। जिन्होंने भी उस नॉवल को लिखा है आपको उनसे रिटर्न परमिशन चाहिए। याद रखिएगा, रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। आपको बोली पर भरोसा नहीं करना है। जैसे आप गए उनके पास और आपने बातचीत की, उन्होंने बोला कि हाँ यूज कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा, भूल कर भी मत कीजिएगा। आप उनसे रिटर्न परमिशन जरूर ले लीजिए। जैसे आपने परमिशन ले लिया, बस आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नॉवल आपकी खुद की है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब काम स्टार्ट आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो उस नॉवल को अच्छे से समझ लेना है। अगर आपकी खुद की रहेगी तो वो तो आप अच्छे से समझे में रहेंगे, लेकिन दूसरी की है तो आपको उसे 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ करके एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आपको उसे स्टोरी के फॉर्म में पहले डेवलप करना है। लेकिन स्टोरी के फॉर्म में डेवलप करने के समय आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है ना, कि आपको नॉवल को हूबहू नहीं उतार देना है। नॉवल जो है ना वो थोड़ी बोरिंग ढंग से लिखी हुई रहती है, यानी आपको हो सकता है जो फिल्में देखते होंगे या आज की जो जनरेशन है उनमें से बहुत सारे लोगों को नॉवल पढ़ना पसंद नहीं आता है। मैं पर्सनली भी बात करूं तो मुझे नॉवल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको नॉवल को पूरा छाप नहीं देना है स्क्रिप्ट के फॉर्म में या स्टोरी के फॉर्म में। आपने उसे पढ़ लिया, अब पढ़ करके आपको उसे इंटरेस्टिंग बनाना है। देखिए, आपने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखी होगी ना, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी अगर आपने देखी होगी तो इतनी बोरिंग मूवी है ना। उन्होंने क्या किया है, नॉवल को ही उन्होंने छाप दिया पूरा, जो नॉवल पर वो बेस्ड थी ना उस नॉवल को ही उन्होंने हूबहू फिल्म में उतार दिया है। और उसके बाद क्या हुआ, फिल्म जो इतनी बोरिंग बन गई कि पूछना ही नहीं है। मैं तो सिनेमा थिएटर में गया था उस फिल्म को देखने के लिए, जो गाने वगैरह है ना उसमें अच्छे अच्छे गाने थे, तो मुझे लगा अच्छी मूवी होगी, ट्रेलर भी अच्छा लगा था, तो मैं गया मूवी थिएटर में देखने के लिए। अब इतनी बोरिंग लग रही थी ना कि मुझे लगा कि जो सिनेमा हॉल है ना वहां से उठ करके आ जाओ। लेकिन फिर मैंने देखा कि लास्ट तक कि क्या उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, लेकिन नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला मुझे, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज था। लेकिन हाँ, आप जब भी नॉवल को लिखते हैं ना तो वो मिस्टेक मत कीजिएगा जो हाफ गर्लफ्रेंड के मेकर्स ने किया। आपको उसे इंटरेस्टिंग वे में लिखना है। जैसे आप नॉवल को लिख रहे हैं ना तो उसमें कुछ घटनाएं बोरिंग ढंग से लिखी हुई है, जरूरी नहीं है कि आप उसे वहां पर रखेंगे ही रखेंगे। जो बोरिंग लग रहा है उसे हटा दीजिए और जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उसे आप रखिए। कुछ चीज को आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एकदम हूबहू सेम लिख देंगे। जैसे भी अगर बायोपिक्स भी बनती है ना, तो बायोपिक्स में भी जैसे MS धोनी जो है द अनटोल्ड स्टोरी, वो बायोपिक बनी थी, तो ऐसा नहीं कि उसमें सभी चीजों को एकदम ट्रूली दिखाया गया है और जैसा हुआ वही दिखाया गया है, उसे इंटरेस्टिंग ढंग से पेश किया गया है, तब जाकर के वो जो बायोपिक अच्छी बनी थी। खैर, बायोपिक के बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ बात करें नॉवल के बारे में। तो नॉवल में भी आप जब नॉवल को लिखते हैं ना तो उसे इंटरेस्टिंग वे में लिखिए, इंटरेस्टिंग ढंग से लिखिए। आप बोरिंग सीन्स को हटाइए उसमें से और जो इंटरेस्टिंग है वो सब लिखिए। और आप जैसे उसका स्टोरी रेडी करते हैं ना, तो स्टोरी को आप रेडी करते समय ये देखिए कि कहाँ पर जा करके स्टोरी जो है वो स्लो हो जा रही है। स्टोरी को स्लो नहीं होने देना है। याद रखिए कि नॉवल जो है ना वो ऑलरेडी स्लो रहती है, तो अगर आप नॉवल के हिसाब से एकदम सेम टू सेम लिखेंगे तो स्टोरी जो है वो स्लो रहेगी। जहां पर भी स्टोरी स्लो लगेगी आप उसे उस 2-3 सीन्स को आप हटा दीजिए वहां से और फिर उसे फास्ट गति से लेकर के चलिए, तो आप सक्सेसफुली उसे लिख पाएंगे अच्छे वे में। और जैसे आप फिर स्टोरी रेडी कर लेते हैं तो स्टोरी रेडी करने के बाद फिर आप उसे स्क्रिप्ट के फॉर्म में बदल सकते हैं, जो तरीका होता है बदलने का। और अगर आपको तरीका नहीं मालूम है स्क्रिप्ट लिखने का, स्टोरी लिखने का, तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है और इसमें टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं जिस पर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। तो आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए हमें स्क्रीन पर देखने नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ऑफर्स वगैरह के जानने के बारे में, या फिर आप फी वगैरह पता करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो खैर, एनीवे वो अलग बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसे सीख सकते हैं। और अगर आप लिखना जानते हैं तो आप स्टोरी के बाद फिर आप इसका स्क्रिप्ट इस तरीके से रेडी कर सकते हैं।
लेकिन लास्टली कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा ना कि आप अगर नॉवल लिखते हैं ना, यानी नॉवल से आप स्क्रिप्ट में जब बदलते हैं ना, तो आप थ्री इडियट्स की तरह बदलिए। थ्री इडियट्स भी एक नॉवल पर ही बेस्ड थी, थ्री इडियट्स की तरह बदलिए, ये नहीं कि आप हाफ गर्लफ्रेंड की तरह बदल रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय।